प्रदेश में आज वन महोत्सव के पर्व को बीजेपी की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें इंद्री की हैं, जहां बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप ने वन विभाग की जमीन पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वन महोत्सव के मौके पर पौधारोपण किया। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू होते हुए और प्रदेशवासियों को वन महोत्सव की शुभकामनाएं दी तथा साथ ही इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर प्रतिक्रिया दिया और कहा कि ये किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। किसानों का आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन उग्र होकर आंदोलन को अनैतिक तौर पर चलाना संविधान के खिलाफ है। आज आप देख रहे हैं, हम आज इंद्री पार्क के साथ जो जंगल है, जो वन विभाग की जगह है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पेड़ लगे हैं और आज हरियाणा सरकार की तरफ से हर सारे हरियाणा में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज वन विभाग की तरफ से ये वन महोत्सव के अवसर पर यह प्रोग्राम किया गया। यहाँ पर अभी देख रहे हैं 10-12 पेड़ लगाने का काम किया, इसमें नीम के भी हैं, पीपल के भी हैं, अन्य पेड़ लगाए हैं। तो वन महोत्सव के अवसर पर ये सारा पेड़ लगाने का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत इस जंगल में जो है 4000 पेड़ लगे हैं। ये तो एक जो है उनका अधिकार है, जो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करना तो एक उनका अधिकार है। वो किसी रूप में विरोध करें पर अनडेमोक्रेटिक वे में ना करें तो वो मतलब गलत हो जाता है। सब ये उनका अधिकार है, विरोध करें, जुलूस निकालें, धरना दें, तो ये उनका अधिकार है, ये हर एक का अधिकार है। देखो वो उनको विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करता तो बाकी तो इसका सही तरीका तो ये है, वो सरकार से मिल करके बैठ करके बातचीत के माध्यम से इसका क्या जायज़ है किसानों का विरोध। देखिएगा, मैं ये कहता हूँ, कई बार वो डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक वे ले लेते हैं। डेमोक्रेटिक वे में विरोध हो सकता है, अनडेमोक्रेटिक वे में करना वो मैं गलत समझता हूँ, वो गलत है। जैसे कई बार आपने देखा है, कई बार ऐसे घटना घटी हैं, कहीं विधायकों को रोक लिया, उनके साथ अश्लीलता का व्यवहार किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। ये हमारा संविधान नहीं कहता, ये हमारा संविधान नहीं कहता, मतलब ये कोई संवैधानिक तरीका नहीं है। मतलब विरोध करना संवैधानिक तरीका तो है, घाड़े झंडे दिखाओ, उसका रास्ता रोकेगा, उसका तो उसका विरोध करे कार है ना। 11 प्रकार की जो है फसलें MSP पर खरीद रही है। हरियाणा एक पहला प्रदेश है, 11 की जो MSP खरीद, 26 की ग्यारह कह रहा हूँ। तो दो तो वैसे देखो धान है, गेहूँ है, वो तो सारे इंडिया में खरीद रही है गवर्नमेंट, और उसको जो खरीद रही है भारत सरकार खरीद रही है। बाकी जो इसके अलावा भी 9 फसलें ऐसी हैं जिसको हरियाणा सरकार अपने बलबूते पर अपने खर्चे पर खरीद रही है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। अब मैं बाजरे की बात देखता हूँ, बाजरा जो है 2150 रुपये क्विंटल हरियाणा सरकार खरीद रही है, गेहूँ से भी ज़्यादा रेट बाजरे का दे रही है। तो ये किसानों के हित में, कल्याण में एक बहुत बड़ा हित है, और उसी बाजरे को 2150 लेकर के यहाँ गांव में उसको 2 रुपये दे रही है। तो इसलिए खरीद रही है भी किसानों का कहीं नुकसान नहीं हो। हरियाणा की सरकार, प्रदेश की सरकार देखेगा वास्तव में जो है किसानों के हित में उनकी आमदनी को बढ़ाना चाहती है, उसी कड़ी में ये बिल लाए गए थे। परंतु फिर भी अगर उनको लगता है इसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी, ये विरोध है, तो बैठ करके सरकार से बात करें और बात के माध्यम से ही इसका। वहीं इस मौके पर वन विभाग के रेंज अधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इंद्री रेंज में 1,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। कार्य को पूरा करने के लिए वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और 31 जुलाई तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। लगभग अभी तक हमने जो है ना 25-30 हज़ार पौधे हम लगा चुके हैं जी, और प्रशासन उपायुक्त माननीय उपायुक्त महोदय करनाल द्वारा भी 1,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक कोई डेट है जी सर? ये लगभग 30 तारीख तक ये काम कम्प्लीट हो जाएगा। 30 जुलाई तक जी, 30 जुलाई तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। बता दें कि उन्होंने सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को भी पेड़ लगाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इंद्री के प्रसिद्ध हर्बल पार्क के रखरखाव व सुंदरता के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है, इस पर जल्द ही कार्य शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि वन विभाग इस पार्क को खास बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है, ताकि इंद्री शहर के लोगों की सुंदर पार्क आवश्यकता पूरी हो सके। वहीं बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि किसानों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के साथ बैठकर समस्या का समाधान करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना जायज है और संविधान भी इसकी इजाजत देता है। इंद्री से मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।